जिनकी हर बात कुछ खास है और इंसान वो शायद आम भी नहीं है, और जितनी भी बात की जाए उनके बारे में मुझे कम सी लगती है क्योंकि हम थोड़ी बातों को थम सी लगती हैं। हर यूथ का ख्वाब है, नाम विनय चौधरी साहब हैं। यूथ के बारे में जितना आपसे पूछें वो कम ही होगा क्योंकि शायद आपसे बेहतर यूथ को कोई ना समझ पाया है ना समझ पाएगा। बीजेपी के यूथ लीडर विनय चौधरी जी, स्वागत है। थैंक यू। फर्स्टली, इतने तमाम यूथों को संभालना कितना मुश्किल है क्योंकि यूथ जो हैं चंचल हैं, है ना, वो थोड़े स्वभाव के बड़ी जल्दी अटल विटल जाते हैं बात। जी। ऑब्वियसली देखो, आपने ठीक कहा, यूथ का आसान नहीं है क्योंकि हर एक फील्ड में यूथ अपना कुछ अलग चाहते हैं, और ये एक अच्छी बात है आज के यूथ के लिए कि यूथ एक उड़ान भरना चाहता है। एक छोटे शहर से आते हैं और एक बड़े शहर में आके तरक्की करना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है कि कम टाइम में आके आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। यही एक यूथ का, मैं उसको यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी को एक रोल मॉडल बनाओ, आगे बढ़ो, देखो और तरक्की करो अपने जीवन में। बिल्कुल ठीक है, अगर ये सब चल रहा है तो यूथ के लिए बस इतना ही कहूँगा कि आपको हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। और उनके लिए दो लाइन जरूर कहूँगा जी कि अभी से अपने पैरों के छालों को ना देखो। ये यूथ के लिए कहना चाह रहा हूँ मैं कि अभी से अपने पैरों के छालों को ना देखो, अभी तो सफर की शुरुआत होना बाकी है, अभी तो कुछ बूंद उसकी पड़ी है, अभी तो पूरी बरसात होना बाकी है, अभी तो पूरी बरसात होना बाकी। ये तो शुरुआत है यूथ की, अभी नए नए हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। आप जर्नलिज्म में, बाकी मीडिया में आप अच्छा कर रहे हो, कम एज में अच्छा कर रहे हो, हम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यूथ को बस यही कहना चाहूँगा कि अपना रोल मॉडल एक को बनाओ, आगे बढ़ो, देखो और चुनो, सही चुनो, सही तरीके से आगे बढ़ो। आप सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलो। हमारे तो भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। बट आप भी तो अभी इतने मैच्योर हुए हैं, है ना, तमाम चीजें समझ पा रहे हैं, लेकिन आप भी चंचल रहे होंगे। तो गोइंग बैक टू टेकिंग यू टू द कॉलेज डेज, कितने शरारती थे आप? क्या था, देखो ऑब्वियसली सब लोगों के साथ में जब कॉलेज के दिन ही एक अलग होते हैं, और आज भी मैं याद कर रहा हूँ तो एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। आपको मैं बताऊँ, कॉलेज के दिनों में मैं हाँ थोड़ा शरारती भी था, और सब लोग, हम एक अच्छा ग्रुप था हमारा, लेकिन एक चीज़ थी कि मैं कॉलेज के दिनों में मैं यूथ लीडर था अपने कॉलेज का, और उस समय हमने एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। मेरा कॉलेज है सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, और हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जो कि क्रिश्चियंस कॉलेज बोला जाता है वहाँ। हाँ, वहाँ से हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर तक हो गए, वहाँ से उस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस कॉलेज से पास आउट हूँ, और वो दिन अलग ही थे। उस दिनों की याद मैं आज करता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। बताओ ना, क्या-क्या शरारतें की आपने? देखो कितने बंक मारे आपने? नहीं, ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्या होता था, जब हम बंक करते थे ना तो हमारे पास में ताजमहल रहता था, लोग उसको विदेशों से देखने आते हैं, हम लोग बंक करके ताजमहल जाया करते थे, और ताजमहल के अंदर अपना मस्ती किया करते थे, सब लोग होते थे, सारा सर्कल होता था, दोस्त लोग होते थे। तो हाँ, ऑब्वियसली यादें बहुत कुछ हैं, लेकिन अब भी सारी बताऊंगा तो सुबह हो जाएगी। बहुत कुछ है यादों में तो। स्कूल से कॉलेज में कितना बदलाव आया आप में एज एन पर्सन? बिकॉज शायद स्कूल बड़ा बेसिक होता है, हमने अब हमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, ज़िंदगी ऐसी होती है, किताबें यहाँ तक सीमित हैं, बट जब बहुत फेमस कहावत है कि जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है तो किताबें और सब्जेक्ट देख कर नहीं लेती, वो लेती है। एग्जैक्टली। तो फिर कॉलेज में जब मैच्योरिटी आई, सोचा कि यूथ के लिए कुछ करना है, लोगों ने तो ये भी बोला होगा क्योंकि हम उम्र के लोग जब ज्ञान देना तो कोई सुनना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी उम्र के लेकिन अंकल कोई देगा तो सब सही लगेगा हमें, है ना, वो शायद हमारा नोशन वैसा सेट किया गया है, वैसी परसेप्शन बनाई गई है। अब आप भी यूथ हैं, अब यूथों को जब आप बताते समझाते हैं तो वो कितना ईजी कर रहे हैं आप अपने लिए, कितना वर्क उस पर करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको खुद को भी जवान रखना है उस हिसाब से। देखो क्या है, हम लोग यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी फेस वैल्यू को अच्छा बना के रखना, हमें कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि अगर हम गलत गए तो हमारे से लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल, वो भी हमें फॉलो करेंगे, तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो मेरा तो आज की यूथ को बस यही मैसेज है कि हमेशा से हार्ड वर्क करो, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे और सिर्फ हार्ड वर्क के भरोसे रहोगे तो शायद आपको सफलता नहीं मिल सकती, तो इसलिए स्मार्ट वर्क भी करना बहुत जरूरी है आज के यूथ को।
बीजेपी ही क्यों चुनी आपने यूथ के लिए काम करने के लिए? बहुत पार्टियां देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्र हित की बात करती है जी। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। मतलब नेशन फर्स्ट, हम लोग राष्ट्र की चिंता पहले करते हैं, पार्टी सेकंड मतलब संगठन का काम हम लोग दूसरे नंबर पर करने का काम करते हैं, और सेल्फ लास्ट यानी कि अपने लिए हम लोग एकदम लास्ट में चुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसको देख के ही हमें लगा कि नहीं, इस पार्टी से चुनना चाहिए क्योंकि यही पार्टी है जो कि राष्ट्र हित की चिंता करती है। अब बाकी पार्टियां उठा लिया, और सबसे बड़ी बात हमारी पार्टी के अंदर क्या है, हमारी पार्टी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन आएगा ये पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता होता। अच्छा, ये इतना, इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, वो सब लोग विचार विमर्श करते हैं तब जाके होता है। अदरवाइज आप बाकी पार्टीज उठा लो, आप कांग्रेस की मैं बात करूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश की बात करूं, मुलायम सिंह यादव, अपना अखिलेश जी, उधर ममता जी की बात करूं बंगाल के अंदर, वो और उनके भतीजे, इधर मायावती की बात करूं, मायावती और उनके भतीजे, आप महाराष्ट्र की बात कर लो, ठाकरे साहब ले लो आप, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तो ये आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना। और भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं पता कि कौन कहाँ कहाँ से आता, कैसे आता। एक चाय वाला भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, और किसी भी पार्टी में नहीं है। बिल्कुल, तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने चूज किया वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि यहाँ आम व्यक्ति भी एक देश के सबसे बड़े पद पे भी विराजमान हो सकता है। वो सिर्फ एक पावर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो किसी शायद और पार्टी के अंदर ये सब नहीं है। तो यही सब देख के हमें लगा कि नहीं, इस पार्टी से जुड़ना चाहिए। और मैं तो खैर छात्र राजनीति में था, एबीवीपी में था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा हूँ, तो वहाँ से मैं मेरी यात्रा राजनीति की चल रही है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को तमगे दिए जाते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मोदी अडानी की पार्टी है, पैसों वालों की पार्टी है, जैसा पैसा मिलता है वैसा पार्टी बिहेव करती है, तमाम चीज़ें है ना, तो आप इसको कैसे खंडित करेंगे? बिकॉज आप बड़े प्रॉमिसिंग है ना पॉलिटिशियन हैं, बड़े प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी हैं जो यूथ को गाइडेंस दे रहे हैं, तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे इसको? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक ये बात नहीं की कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है या मुस्लिम हमारे साथ नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी या संगठन या सरकार, अगर किसी भी तरह की कोई भी योजना अगर नीचे तक पहुंचाई जा रही है तो योजना ये देख के नहीं दिया जाता कि मुस्लिम को जा रही है कि हिंदू को जा रही है, ईसाई को जा रही है या क्रिश्चियन को जा रही है, ये कभी नहीं कहा जाता है। मोदी ऊपर से अगर योजनाएं आती हैं वो सबके लिए लागू होती हैं। अगर ऊपर से आवास योजना जिसमें सब गरीब लोगों को घर वितरित करने का काम किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा था कि मुस्लिम को जा रहा है कि हिंदू को जा रहा है, तो कहां से बीजेपी सोचती है? अगर किसी भी बात किसी भी चीज की हम बात करें तो वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ करेगी। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्र विरोधी आप बात करोगे, आप मुस्लिम हो, तो बिल्कुल आपको हम लोग डिनाई करेंगे, हम लोग नहीं पसंद करेंगे। आप ऐसा करो ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कितनी बड़ी हस्ती थी, आप पूरा देश उनको सल्यूट करता है, सलाम करता है, और अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया। केवल किसकी सरकार में बनाया? भाजपा की सरकार में बनाया। तो हम कहां से हिंदू मुस्लिम विरोधी हो गए? और हमारे अंदर, भाजपा के अंदर तो एक मोर्चा है, स्पेशली माइनॉरिटी मोर्चा है, हम लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को जोड़ें अपने साथ में, साथ लेके चलें, क्योंकि हमेशा मोदी जी ने एक बात कही है कि मुस्लिम के लिए अगर वो पढ़ते हैं कहीं भी, उनके जो मदरसे और ये सब होते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक मुस्लिम के हाथ में, एक हाथ में कुरान होनी चाहिए तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ सकता है, तब हमारे देश का मुस्लिम भी आगे बढ़ सकता है। तो बस कहाँ से, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मुस्लिमों की चिंता भी की है, दलितों की चिंता की है, वंचितों की चिंता की है, शोषण की चिंता की है, हर एक व्यक्ति की चिंता की है। भाजपा के लिए केवल चार बिरादरी हैं, आपको मैं बताऊं, किसान, गरीब, युवा और महिला, ये हमारी बिरादरी, इसके अलावा हमारी कोई जाति नहीं, हम लोग एक हैं। तो आपकी जो पूरी टीम है, आप जिनको आप है ना तमाम चीज़ें गाइड करते हैं अवेयर करने के लिए यूथ को, उसमें कितने मुस्लिम शामिल हैं? बिल्कुल, उसमें मेरी खुद की टीम में दो लोग हैं जो कि रेगुलर हमारे से कनेक्टिविटी रखते हैं, और वो लोग देश की चिंता करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, हमेशा देश हित की बात करते हैं, और अभी भी हमारी पार्टी के अंदर सदस्यता योजना चल रही है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बिल्कुल है। और आप मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि देश के राष्ट्रपति को बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ एक भाजपा की सरकार थी जिनकी लीडरशिप में ये सब हुआ है। कैसे देखते हैं आप बीजेपी का विजन क्या है फ्यूचर को लेकर? हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ना है आपको? नहीं नहीं, ऑब्वियसली देखो, ऑब्वियसली अगर बन भी जाएगा तो क्या गलत है? हम लोग कहीं दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं,
आप ये सोचो मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां पर है, इंडिया के अंदर सुरक्षित है, बाहर आप जाके देखो हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं यार देश सुरक्षित नहीं है। आप कैसे सुरक्षित नहीं है, बाकी कंट्रीज के अंदर जाके देखो, इराक अफगानिस्तान वहां देखो, वहां मुस्लिम को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने लोगों की चिंता नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में तो सर्वभाव सम्भाव की बात की जाती है, हम लोग सबका सम्मान करने की बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिल्म कौन सी देखी आपने आखिरी बॉलीवुड की? आखिरी मूवी रिसेंटली मैंने अभी याद भी नहीं, बहुत कम मूवी देख पाता हूँ मैं। स्त्री देखी होगी? स्त्री नहीं देखी मैंने, स्त्री वन देखी हुई है, स्त्री टू नहीं देखी। हाँ कौन सी देखी, कोई तो होगी याद, कुछ गाना याद हो कोई उस फिल्म का तो मैं बताऊँ कि कौन सी फिल्म देखी आपने। अभी लास्ट मूवी यूथ तो बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैंने ये एनिमल ही देखी थी। एनिमल? हाँ। इतनी कब रिलीज हुई थी वो? मैंने तभी देखी थी और उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा नहीं। कैसी लगी आपका एनिमल? एनिमल बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी मुझे। बॉबी देओल का कमबैक बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं बॉबी देओल, सनी देओल और इधर धर्मेंद्र जी, इनके परिवार से हम जुड़े हुए, और क्योंकि बीइंग अ जाट मैं जाट परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, ये लोग भी उसी परिवार से हैं जी, तो एक तरीके से धर्मेंद्र हमेशा से मेरे रोल में वल्गैरिटी बहुत दिखाई गई है। वो बेचारी लड़की ने इतनी तमाम फिल्में की हैं, पहले तृप्ति डिमरी, पहले कोई नाम नहीं था, और जैसे ही बिस्तर पर तमाम सीन हुए शी वाज रातों रात वायरल। ये देश का दुर्भाग्य है कि यूथ इस तरह के में अगर जा रहा है, गलत है एक तरीके से, ये सब नहीं होना चाहिए। उनके अगर कोई भी आर्टिस्ट है, उसने अगर कोई आर्ट किया है, वो अगर किसी भी एक्टिंग कर रहे हैं तो उसकी एक्टिंग पे जाना चाहिए हमें। आप ये सब देख के यूथ को डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ यूथ जो है मास्टरबेशन पॉन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा एक्टिव है। हम कितनी भी कोशिशें कर लें, वेबसाइट पे बैन लगा दिए तमाम चीज़ें, VPN यूज़ होते हैं सबको पता है, टेलीग्राम इज़ ऑल्सो देयर, वहाँ पे भी तमाम चीज़ें होती हैं, है ना, ट्विटर पे भी हैं, तो उसके लिए आपकी गाइडेंस क्या रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत समय उधर ज़ाया कर देते हैं, है ना, अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं और डायरेक्शन से भी भटक जाते हैं, एंड फिर वो तमाम चीज़ें उत्तेजित करती हैं उनको, बाकी जो चीज़ें हम रेप देखते हैं, है ना, तमाम चीज़ें देखते हैं, वरना किसी को क्या पता कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो आज के पेरेंट्स का कल्चर है उसको थोड़ा अपने बच्चों के लिए बदलना चाहिए, इतना फ्रीडम नहीं देना चाहिए। एक समय था, आपको याद करो, आज से 20 साल पहले हम लोग डरते थे हर चीज़ से करने से, पेरेंट्स को अगर कहीं भी हम टीवी भी देख रहे होते थे तो हम डर लगता था, नहीं डैडी ने मना कर दिया, अभी इससे ज़्यादा नहीं देखना। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग फ्रीडम के नाम पर, हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं उसके नाम पर हम लोग गलत कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। देखो सोशल मीडिया पर सब कुछ है, उसमें आध्यात्म भी है, उसमें आपका हेल्थ से रिलेटेड चीज़ भी है, पढ़ने के लिए भी है, आपको सब कुछ है। बिल्कुल, चूज आपको करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और आपका एक देखो, पहले बड़े बूढ़े लोग बोलते थे ना कि जिस तरह का सर्किल होगा बंदा वैसे ही काम करेगा। आपका सर्किल को पहले अच्छा चूज करो, कोशिश करो कि सर्किल अच्छा होना चाहिए। मेरे डैडी हमेशा से एक बात बोलते थे कि आप अपनी दोस्ती या तो लॉयल लोगों के साथ करो या रॉयल लोगों के साथ। तो अगर लॉयल रहोगे तो आप जेन्युइन जिंदगी में भी लॉयल रहोगे, और रॉयल रहोगे तो आप जिंदगी में आगे भी बढ़ोगे, तो रॉयल तरीके से आगे बढ़ोगे। पर जो रॉयल लोग होते हैं वो तो बड़े फेक होते हैं। सब लोग नहीं होते ना, जरूरी नहीं है सब लोग फेक हो, अब 2-4-5% होंगे उसकी वजह से 90% तो जेन्युइन भी होते हैं। ठीक है, ड्रग्स, स्नेक बाइट्स, आप दिल्ली में तो तमाम केसेस आपने सुने भी हैं, बड़े जी जी चर्चित रहे हैं, अल्पेश यादव है ना, दोस्त भी हैं, मेरी बात भी होती है उनसे तमाम जी। फॉल्स केसेस बना दिए जाते हैं मिनट के अंदर, सारा यूथ है। आप देखें अल्विश की कितनी फैन फॉलोइंग है ना, एंड उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है राजनेताओं के बीच, इन तमाम चीज़ें बावजूद उसके उनकी फैमिली को टीवी पे लाया गया, बेचारे बिलख बिलख कर रोए हैं, यूथ परेशान है। अब हम भी तो सोचेंगे यार कि यूथ को कोई गाइड कर रहा है तमाम चीज़ों के लिए, तो हमें भी डर लगता है। ये मुझे भी ख़राब लगा, क्योंकि देखो मीडिया क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। बिल्कुल, और हम लोग अगर उसको एक सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे तो एक गलत मैसेज जाता है। कल को हमारे भी पेरेंट्स हैं, कहीं भी अगर इस तरह से बुलाया जाएगा तो वो गलत है, उनको हरास नहीं करना चाहिए। आपने उस तरह को उनको हरास किया, अगर कोई भी काम केस है तो उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में उसको करना चाहिए, उसके बाद अगर डिसीजन आता है तब उसके ऊपर कोई भी चीज़ लागू करनी चाहिए, उससे पहले आप ये सब उड़ा रहे हो तो वो गलत है। बिल्कुल, तो मैं एक तरीके से सपोर्ट ही करूँगा एल्विश का। एल्विश का सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट मीन्स
अच्छे काम के लिए, वो अगर वो इस तरह की चीजों में है वो गलत है, लेकिन अगर उसको सोशल मीडिया और मीडिया ने उसको जितना तंग किया है वो गलत मैं कहूंगा उस चीज को। उसके माँ बाप को तंग किया गया, उसके माँ बाप को मीडिया में बुला के उसको रोना पड़ गया, उनके पिताजी माँ रो रही है, वो मिडिल क्लास परिवार के, हम जैसे परिवार के हैं वो लोग, उनकी मम्मी पापा हम भी देखते हैं, हमारे भी मॉम डैड ऐसे ही हैं, तो हम उनको जब देखते हैं तो हमें भी खराब लगा कि टीवी पे अगर किसी भी इस तरह के आप बुला रहे हो, वो बंदा अंदर है और आप उनके माँ बाप से सवाल जवाब कर रहे हो, तो एक तरीके से गलत है। तो जब आप खुद ऐसे लोगों को मिलते हैं जो है ना ड्रग्स में हैं, सबको सबका पता होता है, एंड आप क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं आपको पता चलता ही है कि यार मुझे ये इंसान मिला है एंड इज सफरिंग फ्रॉम दिस, इट इज़ अ सफरिंग ओनली, वो एडिक्शन हो जाती है, फिर बड़ा मुश्किल होता है छुड़ाना, बहुत समय लगता है, तो आपके स्टेप्स क्या रहते हैं उनको समझाने के या उस पूरे लम्हे से बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल, हम लोग देखो कोशिश करते हैं कि किसी और एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व किया जाए। हम लोग क्या रहता है कि हम लोग हेल्थ से रिलेटेड भी काम रहते हैं हमारे रेगुलर, हम चाहते हैं कि वो योगा के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो, कुछ चेंज करें, साइड चेंज करेंगे तो उनका डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो ये सब चीज़ों को छोड़ पाएंगे, तो हमारी कोशिश यही रहती है। बट खुलेआम बिकता है माल तो? कुछ लोग हैं करते हैं, लेकिन कितनी कोशिशें कर ले, देश के अंदर जिस तरह की सरकार आई है बहुत अंकुश भी लगे हैं, कई चीज़ों पर अंकुश लगे हैं, आप देख सकते हो, आप पहले इस तरह कि जो लोग खुले घूमते थे आपने देखा होगा, यो मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में एक क्राइम का माहौल था पहले, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, आप कितने जानते हो मुझे नहीं पता, पंजाब से बिलोंग करते हो? मेरी मम्मा मेरठ से हैं, मेरी माता तो आप अच्छे से जानते होंगे, एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर की बेटियां शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती थी, अगर बच्चा स्कूल जा रहा होता था तो उसकी माँ चिंता कर रही होती कि मेरा बेटा टाइम से घर आएगा नहीं आएगा, व्यापारी बिजनेसमैन अगर दुकान बढ़ा के बंद करके अपना घर जा रहा होता तो वाइफ उसकी चिंता करती थी कि मेरे पति का आज थैला तो नहीं छुड़ा लिया गया, बैग तो नहीं छीन लिया गया, ये सब चिंताएं होती थी, डर रहता था, थानों के अंदर FIR दर्ज नहीं होती थी, लेकिन योगी जी के आने से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है, योगी जी के आने से ये सब चीज़ों में एक बदलाव देखने को आपको मिला है, आज आप देख रहे होंगे योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की तरक्की हो रही है, किस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, और एक तरीके से सिक्योरिटी सुरक्षा का जो आप कह सकते हो कि आप बिंदास तरीके से आप उत्तर प्रदेश में आइए, स्वागत है आपका, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, आपको पूरी सुरक्षा सरकार के द्वारा मिलेगी। उन्होंने तो लव जिहाद भी लागू किया था ना, ऐसा कुछ वहाँ पर मिशन रोमियो समथिंग, जहाँ पे वो लड़कों को पकड़ पकड़ के मारा गया था, ना तो उन्होंने खुद शादी की, ना प्यार किया, ना वो लोगों को करने दे रहे हैं। ये देखिए UP के बड़े सारे यूथ की कंप्लेन आई है जी, क्या कीजिएगा आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, योगी जी का परिवार नहीं है, लेकिन उनका जो परिवार है पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, वो सबकी पीड़ा जानते हैं, वो हर एक की चिंता करते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि भाई वो हमेशा आपको अपने परिवार में देखते हैं, उनका सिर्फ उनकी शादी पे मत जाइए, उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना पूरा जीवन लगा दो, अब अदरवाइज आप ये समझो हम लोग अगर अपने शहर से बाहर रहते हैं तो अपने मम डॉट को कितना मिस करते हैं, उन्होंने उनकी आज उनके लोगों में जाइए, उनकी बहन आज भी एक छोटी सी दुकान चला रही होती है, उन्होंने कितना अपने आप को खोया है, कितनी चीज़ें उन्होंने अपने आप की जीवन की दी हैं, तो ये लोग वो लोग हैं जिनकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये देवतुल्य हैं, इनको तो मैं देवतुल्य बोलूंगा, खासकर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, पहले मुख्यमंत्री जी बोल दिए फिर अंडर प्रेशर आ गए कि प्रधानमंत्री जी रह गए हैं। नहीं नहीं जनरली मैं देखो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल देश की लीडरशिप कर रहे हैं, तो हम लोगों के तो ऑब्वियसली रोल मॉडल हैं, और हम लोग इनको देख के सीख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी सब कुछ छोड़ के अपना देश सेवा में लगे हुए हैं। तो देख रहे हैं आप योगी जी को फिर प्रधानमंत्री के तौर पर? बिल्कुल पूरा देश देखना चाहता है, और योगी जी बिल्कुल आने चाहिए देश के अंदर, अगर कानून व्यवस्था को अच्छा करना है, उत्तर प्रदेश एक जीता जागता उदाहरण है, आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 2017 से पहले किस तरह की वहाँ गतिविधि होती थी, क्या हालात होते थे, हम बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, हम लोग उस तरह हम लोग फ्रीडम से नहीं रह पाते थे, आज हमारी बेटी रात को 12 बजे भी निकलेगी तो उनको याद रहता है गुंडों को, पता है कि इस देश इस प्रदेश का मुखिया कौन है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसका डर रहता है उनको, आज वहाँ जिस तरह के भ्रष्टाचार होते थे वो भ्रष्टाचार रोकने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, एक डर का माहौल है उन लोगों को, वो लोग उनको पता है कि अगर इस तरह की कोई भी उनको एक्टिविटी नहीं करनी है, तो एक बदलाव करने का काम किया है, और हम चाहते हैं देश के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कुछ भी संभव है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने तो मैं खुद चाहता हूं उनको कि अगर वो देश का नेतृत्व करें तो उन्होंने तो प्यार करने नहीं दिया यूथ को, पर आप
आपको मिला प्यार, आपने लव मैरिज किए कि अरेंज मैरिज किए? मेरी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई है? आप तो योगी जी के खिलाफ जा रहे हैं जी। नहीं नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाफ। योगी जी ने ये नहीं कहा कि लव मैरिज मत करो, योगी जी ने कहा है छेड़खानी कि कहीं भी गलत तरीके से आप किसी भी बहू बेटी बहन बेटी को छेड़खानी मत करो। बिल्कुल, आप प्यार से सम्मान से किसी के साथ रहो तो क्या गलत है? तो वो योगी जी ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। वो लोगों ने गलत डायरेक्शन में, मीडिया ने गलत डायरेक्शन में उनको लेके गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि आप भी यूथ को एक इस तरह का मैसेज दो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह की कोई भी बयान नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि प्यार करना गुनाह नहीं है, एक तरीका है। तो आपका आपका प्यार का वो पूरा प्रोसेस क्या था, कैसे मिले, ये जो डॉक्टर एंड ये कॉम्बो जो है बहुत ही मजेदार। मैं तो मोहब्बत की नगरी आगरा से आता हूँ, बेसिकली मैं आगरा से हूँ और आगरा ताजमहल प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। तो मेरा कॉलेज, मैंने आपको बताया सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा था, वो कॉलेज में मेरी फ्रेंड थी साथ में, हम लोग दोस्त थे और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और आज तक अभी तो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग शादी करेंगे। वो फर्दर स्टडी के लिए दिल्ली आई, मैं भी अपनी फर्दर स्टडी के लिए दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपना मेडिकल लाइन चूज की, मैंने अपना MBA किया। मैं आई हैव डन MBA इन दिल्ली फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से MBA किया, MBA करने के बाद मैं फिर अपने कुछ बिजनेस के अंदर हमने शुरुआत की अपनी। फुल परिणीति एंड अर्जुन कपूर वाली स्टोरी है ना? अब अच्छा, ऐसा क्या? तो और वो उसमें दोनों अलग अलग वो होते हैं ना, वो फिर बाद में वो पार्टीज ज्वाइन करता है। जी जी जी, वो जी, फिर जी, परिणीति जी, गाना भी गाता है मैं परेशान। फुल फुल दैट फिल्म जी 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 जी। तो हमारा एक इंटरेस्टिंग भी है कि बिंगे कास्ट में जाट हूँ चौधरी, और हमारी वाइफ हैं यादव हैं, जो कि आप समझ सकते हो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो यादवों का एक अपना रतवा है। तो एक उस समय जब शादी थी, सब लोग शौक थे कि यार ये दोनों कैसे, क्योंकि हम एक औरत था, मेरा भी, मैं कॉलेज में अपना यूथ लीडर था और वाइफ का भी अपना रहता था, कि उन लोगों को एक शॉकिंग था, उन लोगों के लिए, लोगों के लिए जो हमारा सर्किल था, कि इन दोनों का कैसे क्या है। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन में आपको अगर पॉजिटिव रहना है तो आपका साथी और आपका सारथी हमेशा से पॉजिटिव होना चाहिए। अरे मेरी वाइफ के अंदर ये सारी क्वालिटी हैं जो मैं फर्स्ट टाइम बिंग कैमरा में आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि राजनीति के अंदर क्या होता है, हम लोग परिवार को समय नहीं दे पाते, हम लोग अपने लोगों को समय नहीं दे पाते, हमें पार्टी का संगठन का काम रेगुलर निरंतर हमें करना पड़ता है, हमें पूरे देश के अंदर हर जगह भेजते हैं। अब अपना घर परिवार में हमें केवल ये मान लो रात को सोने हम घर जाएंगे, बाकी पूरा टाइम हमें पार्टी के लिए देना पड़ता है। लेकिन उस केस के अंदर भी अपेक्षा ने हमेशा से एक धैर्य से काम लिया, क्योंकि वाइफ हस्बैंड वाइफ चाहते हैं। आप मुंबई का कल्चर आप देख रहे होंगे, एक एक लोकेशन चेक करेंगे, ट्रैक करेंगे कहाँ क्या है, लेकिन हमारे बीच में एक इस तरह की स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हमारी नहीं है। दूसरा, हमेशा से उसने जो पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि जीवन में साथी और सारथी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा से अपनी वाइफ से, मैंने हमेशा से कभी कहा है कि यार मुझे कंपनी खोलनी है। उन्होंने बोला हाँ, एक क्यों, दो खोलेंगे? मैंने कहा इस कंपनी को मुझे इंटरनेशनल लेके जाना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेके जाएंगे, ग्लोबल लेके जाएंगे, आपको इलेक्शन लड़ना है। मतलब मेरे हर काम में उन्होंने हाँ करने का काम किया, एक उत्साह देने का काम किया, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम किया, जिसकी वजह से शायद हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मैं सच बोलूँ तो मेरी बैकबोन है वो, और साथ है हमारे। तू बैकबोन जट दिया है। जी जी जी, गाना आप पे लागू होता है। बट साथ साथ अगर मान लीजिए वो मुस्लिम होती जी, तो आपका जो प्रेम प्रसंग है वो कितना आगे जाता, और फिर पार्टी के लिए वो कैसे सही या गलत साबित होता? देखो मैं अपने दिल की बात बताऊँ आपको। बिल्कुल, पार्टी की बात बाद में करेंगे। मुस्लिम होंगी वो अलग बात है, इंसान अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कौन किस धर्म से है, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। हम लोग को, हमें अपने धर्म पे, अपनी जाति पे मुझे प्राउड है, लेकिन मैं सामने वाले की भी रेस्पेक्ट करूँगा। मैं कभी इस तरह से नहीं कहूँगा कि उनका धर्म और उनकी जाति इस तरह से नहीं है। तो अगर वो मुस्लिम भी हो, कोई भी हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो कोई गुरेज नहीं होता? हाँ ऑब्वियसली कोई गुरेज नहीं होता। लेकिन डांट कितनी पड़ती है? वो तो चलो आप यूथ लीडर बाहर हैं, घर पर तो इंसान डाल ही होता है। सबका देखो घर का तो सेम है सबका। ऑब्वियसली एक वाइफ के अंदर जो आदमी माँ से डरेगा थोड़ा, और एक वाइफ से, ये दो लोग होते हैं जीवन में। और एक वो डरना नहीं होता, उसको रेस्पेक्ट बोलते हैं कि हमें अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट करनी है कि हाँ कब कहाँ कैसे किस कंडीशन में हमें हर तरीके से मैनेज करके चीज़ें चलना होता है। तो ऑब्वियसली ये रहता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो एक रेस्पेक्ट है वो उनकी, जो हमेशा हम लोग एक मेंटेन करते हैं एक दूसरे के लिए। तो आपका जीवन उनके बिना असंभव है,
जैसे अमित शाह जी का बिना पूरी पार्टी असंभव लगती है हमें जी, जी. तो मान लीजिए वो गायब हो जाते हैं एक दिन, तो क्या पार्टी जो है वो बिखर जाएगी अमित शाह जी के आने से? हाँ, उनके जाने से, गायब हो जाने से. भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमित शाह और मोदी जी हैं. अभी आप ये सोचते हैं कि अगर मोदी जी चले जाएंगे तो कौन आएगा, अमित शाह जी चले जाएंगे कौन आएगा. भारतीय जनता पार्टी में इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं कि आपको पता नहीं चलेगा ये कब निकल के आ गए, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है. हमारी लॉबी तैयार होती है आरएसएस से, आरएसएस उसके बाद एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम लोग वहाँ से निकलते हैं. हम लोग राष्ट्र की चिंता पहले करते हैं, पार्टी की चिंता बाद में करते हैं, और सेल्फ की चिंता हम लोग लास्ट में करते हैं. तो ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को सिखाया जाता है. तो आप ये नहीं समझ सकते कि अगर अमित शाह जी नहीं होंगे तो कौन होगा. हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक कार्यकर्ता है, और सब कार्यकर्ता अपने आप में अमित शाह हैं, अपने आप में मोदी हैं. बिल्कुल कमाल. धर्म के नाम पे प्रचार कितना सही लगता है आपको, कितना गलत लगता है? क्योंकि आप तो देखो मॉडर्न आपके थिंकिंग है ना, आप तमाम चीज़ें साथ लेके चलते हैं, यूथ से आप डेली मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि धर्म के नाम पे ज़्यादा प्रचार थोड़ा सा गलत है, वो भी एक ही धर्म का? देखो, हम जिस धर्म से आते हैं उस व्यक्ति को, अगर सनातन धर्म है हमारा, उस सनातन धर्म की हम लोग अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो क्या गलत है? भारत में ही रह रहे हैं ना, हम भारत का ही खा रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, तो भारत की माता की जय बोलने में कैसा गुरेज हमें? आपको एक मैं वाक्य याद दिलाता हूँ. आदरणीय अटल जी थे, आदरणीय अटल जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक बार वो एक भाषण की शुरुआत कर रहे थे. तो जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की तो वहाँ मुस्लिम भी वर्ग बैठा हुआ था, वहाँ और भी वर्ग बैठे हुए थे. तो जब कभी हम भाषण की शुरुआत करते हैं तो भारत माता की जय के नारे के साथ करते हैं. वहाँ उन्होंने वही किया, लेकिन वहाँ उनको क्या रिस्पॉन्स आया जब उन्होंने वो भाषण, तो उन्होंने भारत माता की जय बोला तो सामने से वो आवाज़ नहीं आई जो वो चाहते थे. लिमिटेड लोगों ने भारत माता की जय बोला, लेकिन सबने नहीं बोला. तब आदरणीय अटल जी ने कहा था भारत के लिए कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है. इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी बहती हुई अस्थियों को कोई की कान लगाकर सुनेगा ना तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय. तो हम लोग सनातन है, हमें प्राउड है इस चीज से, ये सब होना चाहिए. ठीक है, धमकियां आती हैं आपको गैंगस्टर्स की? नहीं नहीं, अभी यू आर गोइंग टू मच, इतना मत करें आपको नहीं, या आप लोगों को देते कैसे चलता है बता दो. जी जी, आप देते हैं कि आपको मिलती है? नहीं नहीं, हम दोनों करते हैं. आप देखो, भाजपा का ये कल्चर नहीं है कि किसी को धमकी दें, और भाजपा का करता, आप जानते होंगे देश के अंदर आप इतने नेताओं को देखते हो, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता एकदम पोलाइट मिलेंगे आपको, उनको संस्कार इस तरह के दिए जाते हैं, इस तरह की संस्कार आपने और भी नेताओं को आप ले लेना, कोई धमकी वाले इस तरह की चीज़ें नहीं आती. और आप जो कह रहे हो कि हम लोगों को जो धमकी मिलती है, तो अभी तक तो किसी की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि जो हमें धमकी दे या हमारे भाजपा के किसी भी व्यक्ति को धमकी दे, तो ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, बट ऐसा ऑफर्स भी तो आते होंगे आपको? आप अच्छा बोलते हैं, दिखते अच्छे हैं, यूथ में काफ़ी प्रचलित हैं आप, है ना? थैंक यू. तमाम पार्टीज आपको चाहेंगे कि आप हमारी पार्टी में ज्वाइन करें, है ना, आप इतना कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो क्या कैसे रिएक्ट करते हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग शुरुआत से जिस जगह से हम निकले हैं, शिशु मंदिर मेरा जो मैंने आपको बताया, एबीवीपी से निकले हुए हैं, संघ से निकले हुए हैं, ऑफर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं. मेरे को समाजवादी पार्टी से ऑफर था, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बोला, क्योंकि मेरी वाइफ यादव हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी पार्टी में आओ, हम आपको नेशन के अंदर आपको पद देंगे, आपको विधायक की टिकट देंगे. तुरंत मेरे को बोला गया, पर मैंने कहा नहीं, मैं समझौता नहीं कर सकता, जिस पार्टी में हूँ मैं उसी पार्टी में मरते दम तक रहूँगा, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है, हमने यहाँ जीना सीखा है, यहाँ समझना सीखा है, और ये पार्टी राष्ट्र की चिंता करती है, देश की चिंता करती है, इसलिए हम इस पार्टी में हैं. ठीक है, जब भी छुट्टी का मौका मिलता है आपको, है ना, कभी जब भी, तो अब खाना वाना बनाते हैं, आपका मन करता है कि चलो यार, ये सवाल आपने बहुत गलत पूछ लिया. मेरा पूरा परिवार, मेरी खासकर वाइफ, सब इतने परेशान है कि किचन की शक्ल नहीं देखी इस बंदे ने आज तक. मेरा कोई मतलब नहीं, तो फिर आप गलत मैसेज दे रहे हैं यूथ को. अब क्या मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने कभी आज तक इस तरह नहीं, चाय वाय कुछ भी नहीं बना, चाय हाँ कभी बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि हाँ चाय तक मैंने, चाय बनाता हूँ कांच के गिलास वाली चाय नहीं, प्रॉपर असल, हाँ प्रॉपर चाय की बात कर रहा हूँ मैं, वो चाय नहीं जो अपन होटल में और कहीं भी जाके लेते हैं, वो चाय नहीं, प्रॉपर घर में जो अपना दूध दही, अच्छा वो बना लेते हैं, हाँ वो सब मैंने किया. जितना भी यूथ है स्कूल से ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, है ना, किताबों से दूर किसी कोने में वो डांस करता नज़र आता है, वो आपको कितना सही लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारा समय जो है वो फोन्स में, लैपटॉप्स में ही जा रहा है,
एक तरीके से गलत भी है, जैसे मैं मैक्सिमम वीडियोस जब हम देखते हैं बिल्कुल, तो पब्लिक प्लेस पे आप डांस कर रहे होते हो तो बाकी लोग जिस तरह लोग जा रहे आ रहे होते हैं उनको दिक्कत होती है, आप मंदिर के अंदर डांस कर रहे हो तो ये गलत है। आपको पब्लिक प्लेस पे मंदिर के अंदर या सामाजिक जगह पर आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और एक हर कुछ भी एक आर्टिस्ट को करने के लिए एक दायरा होता है, एक जगह होती है, आप वहाँ अपनी प्राइवेसी पे अपनी प्रॉपर जगह पे करो और इस तरह पब्लिक प्लेस पे नहीं करना चाहिए। तो इस ये सब अवॉइड करना चाहिए, तो एक गलत डायरेक्शन में यूज जा रहा है, तो मैं इसको यही समझाने की कोशिश करूंगा। एजुकेशन दैट दे लैकिंग इन अ लॉट। एजुकेशन पे आपने बात की, मैं तो ये कहूँगा यूथ को जिस तरह से आप इन्फ्लुएंसर ये लोग ना बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, कम से कम एक बेसिक नॉलेज और बेसिक एजुकेशन इनको जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ट्वेल्थ की कम से कम पढ़ाई करके आप बाकी चीज़ों में आप करो, उसके बाद आप कुछ भी आगे बढ़ते रहो वो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अपना बेसिक एजुकेशन तो लो। आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ इन सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको बहुत दुनिया देखनी है, आगे बहुत कुछ फेस करना है आपको। जब तक आपकी बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी आप आगे क्या कर पाओगे। ठीक है, दिल्ली में जब भी आप घूमते हैं हर जगह पानी नहीं, पानी अवेलेबल है ना, बिजली बिल सस्ती है, सब कुछ फ्री है, क्या क्या मज़ा आता है आपको दिल्ली में? दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली को इस तरह के सीएम मिले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के रूप में इस तरह का एक सीएम मिले हैं जो कि इनको मैं पलटू राम कहूँगा, वो अपनी हर बात से पलट जाते हैं, वो कोई कमिटमेंट नहीं कर पाते कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए पूरी दिल्ली में। आपको याद होगा उस समय 2014 के अंदर जब केजरीवाल जी का उदय हुआ 13 के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली को हम वाईफाई कर देंगे, ये सबको सबने सुना था, आज कहाँ वाईफाई है। आप पूरी दिल्ली छोड़ो, आप एक कॉर्नर सीपी जो कि दिल्ली का दिल बोला जाता है वो वाईफाई जोन नहीं है। आपने क्या आपने किया, आपने बोला कि बसों के अंदर मार्शल देंगे, एयर मार्शल बसों के अंदर देंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आपने कहा है? कोई भी बस उठा के देख लो। आपने बोला मोहल्ला क्लिनिक देंगे, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आप जो गरीब सोचे दलित पिछड़ा व्यक्ति है जो कि इजी वहां उसको मोहल्ला क्लिनिक मिले, आज मोहल्ला क्लिनिक पे आप उठा के देख लिए आपको इतनी वीडियोज वायरल मिलेंगी कि वहां मोहल्ला क्लिनिक चल भी नहीं रहे, वहां जो स्ट्रीट डॉग हैं वहां बैठे रहते हैं। तो क्या इन्होंने किया दिल्ली के अंदर? और सबसे बड़ी बात जो बिजली पानी के लिए ये कहते हैं, अगर आज भी मेरे कई लोग ऐसे जुड़े हुए क्योंकि मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं ये सब पीड़ा जानता हूँ, पानी क्या आ रहा है एकदम काला पानी वहाँ निकल के आ रहा है, वो लोग पीने लायक छोड़ो नहाने धोने लायक वो पानी तक नहीं होता। तो असली दर्द दिल्ली वाले हम समझ सकते हैं कि क्या दिल्ली फेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड की बातें भी इम्पॉर्टेंट हैं साथ साथ, है ना, आप देखते ही होंगे तमाम चीज़ें, एंड यूथ को बॉलीवुड जो है अलग तरीके से दिखाता प्रदर्शित करता है। आपने लास्ट फिल्म एनिमल देखी थी, हमने बात की, लेकिन अगर आप पर फिल्म बने तो आप कौन से एक्टर को चाहेंगे कि वो प्ले करें आपका रोल? क्योंकि आप देखो दूसरे नेशनल क्रश हैं चिराग पासवान के बाद, प्लीज हैंडसम हंक डायरेक्ट उनके बहुत ही खास ऐसा नहीं है। तो क्या आपको भी जिंदगी में कंगना मिलेगी बॉलीवुड से, तो बता दें आप। नहीं, आपने पूछा मुझसे कि किस एक्टर को आप चाहोगे, मुझे जो मैं अपना दिल की बात करूं कि जो जेन्युइनली मुझे पसंद है, शाहरुख खान बिल्कुल ठीक का, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, जिनको मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं और उनके जो काम है उनका मैं सल्यूट करता हूं, उस काम को मैं पसंद करता हूं, उस काम को, उनकी हर एक मूवी मुझे पसंद है। तो वो एक एक्टर जो आपका रोल प्ले करे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप चाहते हैं, आप मिले हैं उनसे कभी? नहीं, मैं कभी नहीं मिला, क्योंकि उनके अंदर मुझे इस तरह से लगता है, जो मैंने एक मूवी देखी थी बाला साहब ठाकरे जी की, जिस तरह से उन्होंने उस करेक्टर को प्ले किया वो ऐसा लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे हैं जो इस तरह से पूरी मूवी को कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति एक ऐसे हैं कि पॉलिटिकल बेस पे राजनीतिक व्यक्ति के लिए वो फिट बैठते हैं। और दूसरा एक नाम और लूंगा मैं, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी भी मेरे फेवरेट है, और अगर वो भी इस तरह से करेंगे, आपने देखा होगा कालीन भैया के रूप में कितने फेमस हुए हैं, तो वो उनके ऊपर भी सूट करता है पॉलिटिकल व्यक्तित्व। तो अगर आपको एक्टिंग के ऑफर्स दिए जाएं आप करेंगे? अच्छी खासी शक्ल है आपकी, बोलचाल में दम है। अरे ना, ऐसा कभी नहीं, राजनेता के थाट बाट रहे हैं मिर्जापुर 4 में। नहीं, हम कहाँ, एक्टिंग बहुत दूर दूर तक अपने पास नहीं है ना, हम लोग को समझ है एक्टिंग की। तो बीजेपी एक्टिंग नहीं करती? नहीं नहीं, कभी नहीं, आप कैसे कह सकते हो। बट साथ साथ क्योंकि एक्टिंग बॉलीवुड की बात हो रही है, कंगना जी जो हैं जी बहुत कंगन खड़क रहे हैं इंडस्ट्री में। बीजेपी की एक लीडर ने ये भी बोला था कि वो पागल हो गई, ऐसी फिल्में बना रहे हैं, इंदिरा गांधी पर फिल्म बेस्ड है, अभी स्टे पे चली गई है फिल्म, कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद रिलीज होगी, है ना।
तो आपका पर्सनल ओपिनियन कंगना को लेकर पहले क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, कंगना जी ने देश के लिए किस तरह की मूवी समर्पित करने जा रही हैं, वो कि जो देश की असली सच्चाई थी उस देश को आज के यूथ को पता ही नहीं था उस सच्चाई के बारे में। इमरजेंसी जब देश के अंदर लगी थी कि वह किस तरह के विपक्षी नेताओं को सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था केवल एक इंदिरा गांधी जी के आदेश पे कि कोई भी नेता बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या फ्रीडम था ये देश का, ये लोकतंत्र था देश का। आज उसको सही मायनों में कंगना रनौत अपनी मूवी के माध्यम से देश को दिखाने जा रही हैं। तो कोई गलत नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा इस बात का कि अगर वो एक देश के अंदर जो एक इमरजेंसी का एक दौर था, वो एक कालखंड था, एक डर था नेताओं के अंदर, नेताओं को किस तरह से उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया था, उनके घर वालों ने, उन्होंने किसी ने कुछ गलती की भी की थी या नहीं की थी, उसके बावजूद भी उनको अंदर डाल दिया गया, तो एक तरीके से गलत था। आज उसको देश के सामने लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये भी कहा कि सिखों के कुछ दलों से बात भी हुई, तो उन्होंने बोला कि आप ये मत दिखाइए कि इंदिरा जी को सिखों ने मारा। तो कंगना का उस पर रिस्पॉन्स यही था कि मैं ये तो नहीं दिखा सकती कि इंदिरा पर पेड़ गिर गया या बिजली कड़क गई और वो चल बसी, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप, जो ये कुछ दल हैं वो अगेंस्ट जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों के? देखो, दल तो हमेशा से काम होता है, दल जो विपक्षी दल हैं वो अगेंस्ट ही बात करेंगे, वो सपोर्ट में तो बात नहीं करेंगे। लेकिन वो केवल ये सोच के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अलग कर रहा है तो उनको पीड़ा होती है, लाजमी है। आज भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनौत जी आज हमारी सांसद हैं, तो हम लोग पार्टी बींग अ पार्टी लीडर हम लोग गर्व करेंगे उनके ऊपर कि वो जिस तरह से, आप समझ सकते हो, देखो आपको भी करना चाहिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आ रहा है, अपने दम पे आगे आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। बैठे बिठाए ऑफर दे रहे हैं मुझे ऑन कैमरा, तो आपको समझना चाहिए। बट साथ साथ आप कितना फैसिनेट होते हैं, जब आप मिले हैं जब से पार्टी में आए हैं? कंगना जी से मिला हूं मैं दोबारा। कैसा लगा आपको मिलके? बहुत अच्छे। चिराग के साथ मिले थे कि चिराग? चिराग जी तो बड़े भाई हैं हमारे, चिराग जी से तो मेरा रेगुलर मिलना लगा रहता है, और देश के क्रश हैं जैसे आपने कहा, सब लोग पसंद करते हैं। और चिराग जी के लिए मैं खास बात कहूंगा कि वो जितने बड़े व्यक्तित्व हैं उतने ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, और उनसे एक चीज हमने सीखी है, उस व्यक्ति ने अपने पिता को खोया, उस व्यक्ति ने पार्टी को खोया, उनके परिवार में थोड़ा इस तरह का हो गया कि पार्टी उनसे छीन ली गई, उन सबके बावजूद भी वो बंदा खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में उसने कुछ लोगों के साथ में अपनी दोबारा से पार्टी को खड़ा किया और देश के अंदर फिर से एक बड़ा चेहरे के रूप में वो आए, अपनी पार्टी को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है, आपके परिवार का मेन मुखिया उन्होंने खोया था, अपने पिता को खोया था, उस गम से बाहर नहीं निकल पाए थे, तब तक चाचा ने उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, तो उसके बावजूद भी आज उनका एक जो निकल के आए वो एक अलग ही एक लीडर के तौर पे निकल के आए देश के अंदर, तो सब लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके दोस्त हैं चिराग जी, तो आपने कभी ऐसे दोस्त फ्लो नहीं, फ्लो में बड़े भाई जैसे हैं, तो फ्लो फ्लो में कभी पूछा है नहीं भाई से आपने कि सच में कंगना और आपका कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं अभी आप मन तो करते ही मीडिया के माध्यम से आपने देखा ही होगा, अभी रिसेंटली कंगना रनौत जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कि चिराग जी तो दूसरे कदम से बाहर निकल जाते हैं, वो देख के ही मुझे मुड़ जाते हैं, तो चिराग जी का ऐसा नहीं है, ये सब मीडिया की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो लोग एक लोक पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो मुलाकात संभव है, और वो लोग पुराने दोस्त हैं, वो लोग आपके बॉलीवुड से दोस्त हैं वो लोग, तो आज वो पार्लियामेंट के अंदर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, अपना चुन के पहुँचे हैं, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। एक्ट्रेस बॉलीवुड की जो आपको बहुत बेहद पसंद है, मौका मिले तो आप शादी भी कर लें? नहीं नहीं, शादीशुदा आप हैं फिर भी आपको मौका नहीं, और मेरी वाइफ ही मेरी फेवरेट है, वही एक्टर है हमारी, इसके अलावा और कोई एक्टर नहीं है। और पसंद की आप बात करें तो ऑब्वियसली मुझे दीपिका पादुकोण पसंद है, उनकी स्किल्स पसंद है, एक्टिंग पसंद है, तो एक लड़की हुई है मुझे पसंद है। अरे वाह, ठीक है। कौन से भगवान को मानते हैं आप सबसे ज़्यादा? मैं भोलेनाथ को, शिव भगवान को मानता हूँ। क्या क्या करते हैं शिव भगवान के लिए? मैं बहुत ज़्यादा, देखो मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता, लेकिन मैं कहीं भी, मेरा कहीं भी कुछ होता है तो मैं अपना हर सोमवार को मैं शिवलिंग जरूर जाता हूँ, वहाँ जाके अपना मेरा 15 मिनट का एक सेशन होता है जो पूजा मुझे करनी होती है, जो मैं अपना करता हूँ, या हम उज्जैन का मेरा रहता है मैक्सिमम कि मैं उज्जैन जाने की कोशिश करता हूँ, कि जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं उज्जैन के एक बार दर्शन करने जरूर जाऊँ, तो ये मेरा रूटीन रहता है। एक भोलेनाथ में एक आस्था है मेरी। शिव जी से हम बजरंगी जो भगवान हैं उनकी तरफ आते हैं। बजरंग दल को ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का विंग है, अनकहे काम कर देता है, सिर्फ साल के एक ही महीने में एक्टिव होता है, फरवरी में 28 दिन जो जोरों शोरों से काम करता है फिर वो गायब हो जाता है। लगता है बॉलीवुड वालों को बजरंग दल वालों से बड़ी दिक्कत है। मुझे बिल्कुल नहीं है, बाकी आप बताएं क्या सीन है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं? देखिए बजरंग दल, अगर कोई भी कार्यकर्ता बजरंग दल का,
वो देश हित में काम करता है। अगर वहाँ आप एक तरीके से वो पार्क में अगर कोई भी कपल बैठा हुआ है, लेकिन वो कपल वहाँ जाके इस तरह की हरकत कर रहा है कि आप वहाँ आपका एक सामाजिक जगह है, वो उस जगह पे आप किसिंग कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, तो अगर आपको रोक टोक कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आपको ये सब घर में करना चाहिए, क्योंकि आपको देख के बाकी लोग आपको देख रहे हैं और भी लोग बैठे रहते हैं उस पार्क के अंदर। अगर कोई ड्रग्स कर रहा है पार्कों के अंदर, आजकल के बच्चे ड्रग्स कर रहे होते हैं, तो अगर बजरंग दल उसको रोकने का काम कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? और आपको सिर्फ बजरंग दल के ये काम दिख रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा? आपदा के अंदर जहाँ जहाँ परेशानी आती है वहाँ बजरंग दल और RSS सबसे पहले खड़ा मिलेगा आपको, और कोई संगठन खड़ा नहीं मिलेगा। वहाँ यही दो संगठन होते हैं जो सबसे पहले वहाँ देश के लिए खड़े मिलते हैं। हर जगह आप कहीं से भी किसी भी जगह उठा लीजिए जहाँ जहाँ आपदाएँ हैं। ठीक है, आपकी पार्टी में आपके जितनी भी यूथ आपके साथ जुड़े हैं उसमें किसान कितने शामिल हैं? बिल्कुल, हमारी पार्टी किसान हित की पार्टी है, मैक्सिमम किसान परिवार से ही हैं सब लोग। मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। ठीक है, जो जितने भी आपके यूथ आइकन्स हैं जिनको आप भेजते हैं ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, तो वो भी समस्या लेकर आते होंगे। एंड जब शाहीन बाग वाला किस्सा हुआ है ना, वो पूरा आंदोलन चला, तब क्या कुछ आपको सुनाई दे रहा था? क्योंकि आप दिल्ली में थे, वहाँ पर ऑफकोर्स आपने काम भी किया होगा तमाम चीज़ें, तो कितनी सच्चाई कितना झूठ है वहाँ पर? क्या था, देखो किसान विरोधी जो बिल की सब लोग विपक्ष चर्चा करती है, मोदी जी एक बिल लेके आए जो किसानों में हित में बिल था, किसानों के हित के लिए था। लेकिन अगर ये सब कुछ बवंडर हुआ, परेशानी हुई, किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन मोदी आज तक का इतिहास रहा, जब से प्रधानमंत्री 2014 से बने थे आज तक कोई बिल वापस नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ किसान बिल ऐसा था कि जो कि मोदी जी ने वापस लिया गया, तो एक सम्मान बरकरार रखने का काम किसानों का किया गया है, तो ये एक बड़ी बात थी पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए और किसानों के लिए। ठीक है, साथ साथ क्योंकि बहुत कुछ ज़िंदगी में बदल जाता है ना, तब एहसास होता है कि शायद कुछ गलतियां की भी होंगी हमने या फिर तमाम चीज़ें। बचपन में तो पुलिस ने पकड़ा होगा आपको कभी? हाँ, एक बार हम स्कूटी से ट्रिपलिंग कर रहे थे और इस तरह के वाकया कई बार ऐसे हुए थे कि कई बार आपने रिश्वत दी। रिश्वत तो देना एक तरीके से ऑब्वियसली गलत है, रिश्वत तो कभी करना ही नहीं चाहिए, बट हाँ उस समय करनी पड़ गई थी, क्योंकि उस समय अपना जो माइंड है उस समय इतना नहीं था, जो आज हम लोग इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, चीज़ें करेंगे, वो अलग है, लेकिन उस समय थॉट प्रोसेस अलग था और आज का थॉट प्रोसेस अलग है। आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी हर साल के कैंपेन में तमाम चीज़ों के बाद हर 5 साल बाद वो कोशिश करती है कि इस बार क्या पासा फेंका जाए कि हमें वो जो वोटिंग बैंक है वो और बढ़ जाए, हिंदुओं का जो विश्वास है वो बना रहे, राम मंदिर, 370, तमाम चीज़ें, राम मंदिर से शुरुआत करूँगा, तो क्या ये पासे हैं वो बचा के रखते हैं कि भाई इस पे अभी काम मत करो, आखिरी का जो साल होगा इलेक्शन से पहले तब हम काम चालू करेंगे और फिर पासा जो है मजबूत हो जाएगा और वोटिंग? आप लोगों के लिए पासे होंगे, भाजपा के लिए केवल ये पासे नहीं है, भाजपा के लिए काम था, 500 साल की लड़ाई थी राम मंदिर को बनाने के लिए, 500 साल का संघर्ष था, कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी इस राम मंदिर को बनाने के लिए, कब से ये केस चल रहा था, सब लोग चिंता कर रहे थे कि राम मंदिर कब होगा। हमारे ऊपर कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे, वो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये हमसे सवाल होते थे। लेकिन आज मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर भी वहीं बना है, तारीख भी आपको पता है, ऑलरेडी राम मंदिर की शुरुआत हो चुकी है, उद्घाटन हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी भागवत जी के हाथ से कर कमलों से पूजा पाठ भी हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, तो इस सबके सामने है। तो भाजपा ने ये सब काम किए हैं और वो दिख रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? ये एजेंडा नहीं है भाजपा के लिए, भाजपा ने करके दिखाया है, कथनी और करनी में क्या होता है वो भाजपा ने किया है। बिल्कुल, आप इतने शांत हैं कि आपको गुस्सा भी आता है, गालियां वाले देते हैं आप? हाँ ऑब्वियसली गुस्सा आता है, दे देते हैं हम गालियां, आता है नहीं, गालियां तो बहुत रेयर होता है, गालियां मेरे कभी नहीं आती मेरे जुबान पे, बहुत रेयर होता है, लेकिन हाँ गुस्सा आता है। कैसे कंट्रोल करते हैं आप, क्योंकि वो आजकल यूथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना जी, वो कुछ भी देखते हैं हाथ में तो उठा के फेंक देते हैं। नहीं, कई बार जब गुस्सा आता है मैं अपने आप को ही शांत करने की कोशिश करता हूँ कि खुद से ही शांत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार हमें लगता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें गलत ना हो जाए, कई बार ऐसा मिस हैपनिंग एक दो बार हो चुका है कि बड़े झगड़े के रूप में वो बदल गए, तो वो बस मैं उस पलों को याद कर लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई लीडर बीजेपी में जिससे आपकी नहीं बनती या कम बात होती है, जो भी आपको सही लगे? हाँ कई नाम है ऐसे जिनसे होता है, पार्टी के अंदर सब चलता है, उतार चढ़ाव पार्टी के अंदर होता है, सब लोगों से, इतना बड़ा परिवार है बीजेपी का, छोटा परिवार नहीं है,
बीजेपी आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा सबसे बड़ा संगठन है, तो इतने संगठन में इतने नेता होंगे, सबसे तो नहीं बन सकती आपकी। कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि आप गलत प्रोफेशन में आ गए हैं यार, आलस नहीं आता कि यार कोई और जिंदगी जी रहा होता मैं किसी और काम में, कहाँ आ गया हूँ सुबह सुबह इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लगता है कभी कभी तो लगता होगा डाउट है यार काश मैं कुछ और करता, बैंकर वैंकर बनता मस्त 5 से 9 नौकरी। कभी कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया, क्योंकि शुरुआत से एक राष्ट्र हित की चिंता रहती थी, हमेशा से ये रहता था दिमाग में कि यार कुछ देश हित में कुछ करना है, कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है। तो ये मेरा शौक है, मैं सच बोलूँ पैशन है मेरा पॉलिटिक्स, और शुरुआत से मुझे लाया तो मुझे तो बहुत पसंद आता है कि मैं जितना जितना काम करूँगा मुझे उतना उतना और अच्छा लगता है। जो कीड़ा बोलते हैं ना पॉलिटिक्स का कीड़ा, वो बचपन से है और जो कि चल रहा है। देश हित तो आप आर्मी ज्वाइन करके भी कर लेते हैं, पॉलिटिक्स का कीड़ा था सिर्फ इसलिए पॉलिटिक्स? नहीं ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर वहाँ देश पे सुरक्षा कर रहा है आर्मी सेना का, लेकिन नेता भी अपना पूरे देश की चिंता करेगा, अपने समाज की चिंता करेगा, समाज के लिए भी तो लोग रहने चाहिए ना। अगर क्षेत्र के विकास करने के लिए आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप कैसे चेंज करोगे, बदलाव करोगे? हम लोग पॉलिटिक्स को गलत बोलते हैं कि यार पॉलिटिक्स में गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोग कैसे आएंगे? जब तक पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बदलोगे कैसे उस पॉलिटिक्स को? हम लोग कटाक्ष तो कर देते हैं, हम लोग खराब बोल देते हैं यार पॉलिटिक्स बहुत गंदी राजनीति है, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन उस राजनीति को बदलोगे कैसे? जब तक स्वयं नहीं आओगे, जब तक खुद नहीं आओगे, तब तक वो राजनीति को आप नहीं बदल सकते। इसलिए मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि अगर आपको पॉलिटिक्स का है कि आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। देश के अंदर बदलाव तभी होगा जब देश का नेता पढ़ा लिखा होगा। अब देश की सबसे ईजी कम्युनिटी यूथ को बहलाना बहुत आसान है ना, हम तमाम केसेस में देखते हैं जहाँ पे ISI या तमाम आतंकी संगठन जो हैं वो यूथ को मैसेजेस के ज़रिए या तमाम सोर्सेज के ज़रिए रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, बम कैसे बनाना है, आतंक घाती हमले कैसे करने हैं वो सिखाते हैं, एंड वो सब हो जाता है। तो यूथ जो है इस चीज़ से भी जूझ रहा है, एंड ये चीज़ें ना बहुत ही कम पता चलती हैं एक्सेप्ट फॉर द एजेंसीज जो काम कर रही हैं उसके लिए, बिकॉज आप यूथ से जुड़े हैं और आप डेली उनसे मिलते हैं एंड डेली आपका रीच आउट होता है उनसे, तो आपके क्या स्टेप्स रहेंगे एंड आर यू रियली टैपिंग टू दिस थिंग एज वेल? देखो हमारी व्यक्तिगत में अपनी बात करूँ तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ जहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं पार्टी और संगठन के माध्यम से भी और पर्सनल भी जी, मेरी ये रहता है कि किसी भी माध्यम से यूथ को देश प्रेम की भावना में रहना चाहिए, हमेशा देश हित की चिंता करना चाहिए। आप जितना इस सब चीज़ों से रहोगे तो आपका बाकी चीज़ों से ध्यान तो हट ही जाएगा, आप सोचोगे नहीं नेगेटिव के लिए, आप पॉजिटिव रहोगे। तो हमेशा हमें देश की चिंता करनी चाहिए, देश के लिए हमें कुछ करने के लिए इच्छा रहनी चाहिए हमेशा। वो जरूरी नहीं है जैसे आपने कहा कि सिर्फ आर्मी में सेना में जाने से आप देश की सुरक्षा कर सकते हो, देश के लिए अच्छा कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, नहीं, आप पॉलिटिक्स के अंदर भी कर सकते हो, आप मेडिकल लाइन में भी कर सकते हो, आप किसी भी लाइन में कर सकते हो। मेरी वाइफ का मैंने आपको बताया एम्स के अंदर सीनियर साइंटिस्ट है, वहाँ वो अपनी देश की सेवा कर रही है, हमसे ज़्यादा काम करते हैं वो, 18 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। तो एक कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, हर एक प्रोफेशन के अंदर देश चिंता हमें पहले करनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तमाम चीज़ें हमने कवर कर ही ली हैं और बड़ी दिल से आपने बात की है, साथ साथ चाय आपको बनानी आती है, यूथ जो है वो सही राह पर है ही मुझे लग रहा है, है ना। एक जो रिसेंट कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिल को छू गया, आपके रिश्ते कैसे हैं आपके पिताजी के साथ? पिताजी के साथ मेरे बहुत इमोशनल रिश्ते हैं और ऑब्वियसली पिता होते हैं, दिल से हम कभी भी कुछ भी, जब मुझे कोई दिक्कत होती है, कहीं कठिनाई आती है, तो हमेशा से एक बार बस पिताजी को फ़ोन कर लेता हूँ और उनकी बस हेलो सुन लेता हूँ तो एक हिम्मत आ जाती है बहुत कुछ कहने की, उनको मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनसे मेरा बहुत प्रेम है। मैं, आपने जब पिता की बात कही तो आपको, 3 साल पहले मैंने अपनी माँ को खोया है कम एज में, और मेरे माँ बाप मेरे लिए रोल मॉडल थे मेरे जीवन के, कि उन्होंने किस संघर्ष से लेके आज उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोग एक जगह पहुँचे, वो उनका जीवन उन्होंने अपना लगा दिया। तो आज मैं पिता में अपनी माँ भी देखता हूँ, पिता भी देखता हूँ, मैं बहुत उनसे अटैच हूँ और हमेशा इसे यही चाहूँगा कि हम जो पिता जो चाहें हमारे, हम वो सब उनको दे पाएँ एक टाइम के अकॉर्डिंग। अपनी ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं आप राजनीतिक? हाँ कभी कभी होता है, डिस्कशन होता है लेकिन बहुत रेयर रहता है, क्योंकि पिताजी बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, किसान परिवार से आते हैं हम लोग, तो वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतना नहीं, लेकिन उनको मीडिया के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से, मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मेरी सब सारी अपडेट रहती है, तो खुश होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारा बच्चा कम एज में कहीं अच्छी जगह पहुँचे हैं तो उनका जो सर्कल है वहाँ, उनको खुशी होती है तो हमें खुशी होती है। बट वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि करप्ट मत होना कभी? हमेशा से बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, वो नहीं चाहते कभी भी, कौन चाहेगा
कोई पिता नहीं चाहेगा कि उनका बेटा करप्ट है, वो हमेशा से चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ो, एक ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो। हमारे पिताजी ने हमें ईमानदारी सिखाई, ईमानदारी का पाठ सबसे पहले सिखाया है, तो वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी के पिताजी कौन है? बीजेपी की कोई पिताजी नहीं है, बीजेपी अपने आप में एक पिता तुल्य संगठन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर समय पे बीजेपी के अंदर लीडरशिप कौन कर रहा है ये बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता होता। पहले अगला अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता होता। देश का प्रधानमंत्री भाजपा को कौन तय करेगा ये भी नहीं पता होता। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं, वो लोग तय करते हैं, और उन लोगों में से कोई भी व्यक्ति बन सकता है, वो एक आम कार्यकर्ता भी बन सकता है। ये भाजपा की एक ताकत है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। राहुल गांधी, मैं उनके लिए क्या बोलूँ, उन्होंने संघर्ष तो कभी देखा ही नहीं है। जिस जगह से आप समझ सकते हो कि देश के राजा थे उनके पिता, और वहाँ उनके बेटे, और उन्होंने जीवन में अपना सिर्फ इन्जॉय किया, मुझे नहीं लगता कोई संघर्ष उन्होंने किया है। और सही मायनों में बोलूँ कि राहुल गांधी जी का जिस तरह मैं देखता हूँ कि यूथ को एक उनको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से यूथ एक्सपेक्ट करता है उनसे, वो सब वो नहीं कर पाते। तो जो उनको करना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, हमारे पिता हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारी दादी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, आपका योगदान रहा है देश को, तो आपको भी तो कुछ इस तरह करना चाहिए। और आप इस तरह की छोटी हरकत कर देते हैं, वो गलत है। आप कई चीज़ें उठा ली है, वो उनकी पार्टी के अंदर कोई भी नेता होता है वहाँ चलती सिर्फ माँ बेटे की है, इसके अलावा वहाँ किसी की नहीं चलती। राष्ट्रीय अध्यक्ष की वहाँ पे बिल फाड़ दिए गए थे, अध्यक्ष बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने सरेआम बिल फाड़ के फेंक दिया था उनकी पार्टी के नेताओं के आगे, सीनियर लीडर्स के आगे। तो वो अपने सीनियर लीडरों की इज्जत नहीं कर पाते, बाकी देश की इज्जत क्या करेंगे, बाकी लोगों की क्या करेंगे। मनमोहन सिंह से मिले कभी आप? मनमोहन जी से मैं कभी नहीं मिला। बड़ा चर्चित गाना उनके ऊपर, क्यों न बोले मुझसे मोहन। मनमोहन जी तो मैं तो यही कहूँगा, वो एक तरीके से सोनिया गांधी जी के रिमोट थे, रिमोट के आधार पर सरकार चलती थी। जब सोनिया जी जो चाहती थी वो मनमोहन सिंह जी वो करते थे। आज देश का प्रधानमंत्री डिसीजन खुद ले सकता है, आज की लीडरशिप करने वाले वो खुद हैं, खुद सोचना है, उनको तय करना है कि क्या करना है देश हित में, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो देश के अंदर वो लीडर होना चाहिए जो देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। आप देख रहे होंगे, धारा 370 ले लो, राम मंदिर ले लो, ट्रिपल तलाक ले लो, किसी भी चीज़ में मोदी जी ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है और अपने 100% देने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, हर जगह पे मोदी जी ने अपना एक नंबर काम किया है, जो आज की यूथ को मैं कहना चाहूँगा। इसलिए इस तरह की पार्टी से जुड़ना चाहिए जो देश हित की पार्टी हो। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस तरह की बात करते हैं। आप विदेश के अंदर देखिए, आप लोग तो सब लोग आउट ऑफ इंडिया रेगुलर जाना होता, किस तरह की सम्मान बढ़ा है देश का बाहर के देशों के अंदर। ठीक है, एक आ गया मेरे मन में सवाल, मैं पूछ लेता हूँ। आपकी पार्टी में कोई भी बायसेक्सुअल गे नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। क्यों? अभी क्या आप उनको काबिल नहीं मानते? नहीं, ऐसा आपकी, नहीं। आपकी आपकी भावना, मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी के अंदर ट्रांसजेंडर हैं जो कि एमएलए हैं, दो तीन स्टेट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उनके साथ हमने बाकायदा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन लोगों के बीच में बैठा था। और मैं आपको अभी बताऊं, अभी दो तीन महीने के अंदर मैं एक ट्रांसजेंडर की एक बड़ी टीम है, उनको मैं पार्टी ज्वाइन कराने भी जा रहा हूं अगले 3 महीनों के अंदर। तो ये मैं सब मेरे काफी लोग हैं, भावना नहीं है नहीं, किसी भी तरह की, मैं खुद उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मेरे कई लोग हैं साथ में, क्या गलत है? उनका जो चॉइस है उनकी है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस को कुवारा रहने का क्या शौक रहता है? आपने तो चलो कर ली, आपके तो ना प्रधानमंत्री ने की है, ना यूपी के मुख्यमंत्री ने की है, देखिए राहुल गांधी ने भी नहीं की। अब वो बात अलग है, वो कहीं और जाते होंगे शायद, बट स्टिल देखिए, ये तपस्या है, आसान नहीं होता। अगर उन लोगों ने शादी नहीं की है या राहुल गांधी के लिए आप क्या कहना चाह रहे हो, वो तो इटली जाते हैं, वो तमाम चीज़ें वो जाते हैं ना, देश को पता है ना किस लिए जाते हैं, बहाना बनाते हैं कि हम मेडिकल फैसिलिटी के लिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं पूरा देश जानता है राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन आप इनकी सोचिए, ये लोग अपने परिवार को इन्होंने छोड़ा हुआ है, इनकी माँ आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ आज भी किस अवस्था में, किस घर होता था, क्या किस तरह की कंडीशन होती थी, आज भी उनके कितने भाई हैं आप जानते भी नहीं होंगे। योगी जी की कितनी सिस्टर हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग जानते नहीं होंगे। बाकी लोगों को आप उठा के देख लीजिए, आपको सब लोगों के परिचय होगा, सबकी जानकारी आपको होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि अगर भाजपा के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपने परिवार को छोड़ रहे हो और आप अपने देश की सेवा करने के लिए आगे जा रहे हो।
तो आपके लिए पार्टी बड़ी है कि परिवार? मेरे लिए देश पहले बड़ा है, राष्ट्र पहले बड़ा है, उसके बाद में ऑब्वियसली परिवार भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक परिवार हमारा सब साथ नहीं होगा, हम लोग उनको खुश नहीं रख सकते तो समाज को भी हम खुश नहीं रह सकते। शुरुआत हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें समाज में जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले देश, राष्ट्र, नेशन फर्स्ट। लड़ाई नहीं होती है इन बातों पर घर पर? हाँ, बोला नहीं चले जाओ यहाँ से निकल। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऑब्वियसली वो कहते हैं आप लगे रहते हो, रात दिन लगे रहते हो, कोई टाइमिंग नहीं है आपका, कभी जा रहे हो, दस दस दिन आप घर से बाहर रह रहे हो, कर रहे हो, तब हम उनको कहते हैं कि आप उनकी सोचिए जो कि बॉर्डर पे बैठ के, जिन वो छः छः महीने में एक एक साल में आते नहीं है, उन लोगों से पूछिए कि असली देश की सेवा कैसे की जाती है। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे असली मायनों में। उनकी आप देखिए कि देश की सेना कि किस तरह से वहाँ बॉर्डर पे तैनात रहते हैं वो लोग, वो ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना बर्फ देखते हैं, वहाँ किस तरह से वहाँ माहौल रहता है, उस कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वो देश की सेवा कर रहे होते हैं। तो हम लोग तो क्या कर रहे हैं, यही सब बातें मैं कोशिश करता हूँ कि वाइफ को बोलूँ थोड़ा सा चेंज करें, डाइवर्ट करें। जब भी आप घर के लिए कुछ बड़ा सा खरीदते हैं जहाँ पे बहुत पैसे जाने होते हैं, मान लीजिए 2-3 लाख या 4 लाख, तब कैश पेमेंट करते हैं कि क्या करते हैं आप? नहीं, कैश तो मैं बहुत रेयर, क्योंकि मैं तो सुना है पॉलिटिशियंस के बाद कैश ही होता है। कैश नहीं, ऐसा नहीं, सब वो तो खैर आपने, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, पॉलिटिशियंस के पास पैसा होता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप देखिए, आप सुथरे पॉलिटिशियन है, वो बात अलग है। नहीं, ये गलतफहमी है, इसलिए पैसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, पॉलिटिशियंस के पास पैसा नहीं होता। आज मोदी जी का अकाउंट आप चेक कर लीजिए, उनके अकाउंट में देखा होगा आपने किस तरह से 60,000 के लगभग उनके अकाउंट में पैसा था। उनके नाम पे ना कोई गाड़ी है, ना घर है, ना बंगला है। क्या पता पीएम केयर फंड के पैसे मिल जाएं? ऐसे बहुत नेता है। अरे वो किसके लिए चिंता करेंगे, उनका परिवार उनके पास नहीं है, उनकी शादी नहीं, वो किसके लिए करेंगे, वो देश के लिए ही तो कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी आपका मैसेज, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। ऑफकोर्स यूथ के लिए पॉलिसीज बनाने का मौका दिया जाएगा आपको, तो आप क्या बनाएंगे वो 3 पॉलिसीज? ये मौका है आपके पास, हॉट सीट हमने दी है, हाइट अमिताभ बच्चन वाली मेरी है, अंदाज़ अलग है। मैं पॉलिसी की बात करूं तो यूथ के लिए सबसे एक पहले बेसिक नीड होता है, वो होता है उनका एम्प्लॉयमेंट, जॉब। दूसरे पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर बेसिक पॉइंट होगा तो एजुकेशन होगा। किसी भी व्यक्ति को अपनी कंप्लीट एजुकेशन करनी चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, बिना एजुकेशन के यू कैन नॉट सर्वाइव। आप एजुकेशन आपके पास होगी तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति में आप लड़ सकते हो। आप अपनी घर की दशा और दिशा को बदल सकते हो अगर आपके पास शिक्षा होगी। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिना एजुकेशन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। थर्ड पॉलिसी, तीसरी अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से अवेयरनेस और काउंसलिंग पॉलिसी में लाना चाहूँगा, क्योंकि जिस वजह से आप काउंसलिंग, क्योंकि सिर्फ एक लोगों को पता नहीं है कि वो लोग सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर इसे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, सीए मैक्सिमम ये सब कर पाते हैं, लेकिन आप बॉलीवुड की मैं बात करूं तो लोग डायरेक्टर को जानेंगे, प्रोड्यूसर को जानेंगे, राइटर को जानेंगे, लेकिन इसके पीछे भी दुनिया है। आप अच्छे से समझ सकते हो, इतने ऑप्शंस हैं रोजगार के लिए, जॉब के लिए। उस सबको हम लोग अवेयरनेस करने का काम करेंगे कि लोगों को और भी पता रहे कि किस माध्यम से आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो, आप अपना रोजगार ले सकते हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से एक अवेयरनेस एक क्षेत्र के अंदर आए, देश के अंदर। बिल्कुल। With that note, Vinay, it was really lovely talking to you. Same I hope आपको भी मज़ा आया होगा। Obviously, बिल्कुल, बहुत मज़ा आया मुझे। And I'm waiting कि आप अच्छा करते रहें और यूथ को सही डायरेक्शन देते रहें। अब दिशा बॉलीवुड की का तो पता नहीं, आप अपनी दिशा को सही कर लीजिए, और लोगों को जो दे रहे हैं वो तो कमाल की है ही। थैंक यू सो मच, आपके साथ भी मुझे ये इंटरव्यू करते हुए बहुत अच्छा लगा, और आप तो एक बड़ी हस्ती हैं, मैं समझ सकता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मेरा इस तरह इंटरव्यू किसी के साथ हुआ है जो कि एक सेलिब्रिटी है। आप अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, बिग बॉस के अंदर आपने देखा होगा सबको कि कौन नहीं जानता इनको, तो इसलिए अच्छा लगा। सो ब्लेस्ड, और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।